लंघ जाओ सर, लंघ जाओ लंघ जाओ लंघ जाओ यहां से। एक लो जी, एक मिनट लंघ जाओ जी, फटाफट सर फटाफट, होना नंगे जी, रोको दो मिनट। मैं ये जो बेदबी की गल की मैं बड़ी क्लीयर गल करनी चाहता कि वाकई बहुत ज़्यादा वो डिले हुई है और मैं पहला भी मेरा स्टैंड तुम वेखते रहे हो वेखा तुम कि मैं रिजाइन भी देना पाया जो सा कैबिनेट मीटिंग गल चली जिस दिन की साड़ी सरकार बनी है सब तो पहला असी ये केस जो टेकअप किया कि बेदबी के जोड़े दोषी या जिन्हों की इंटरोगेशन करनी है उन्होंने असी केस अदालत थले पाया तो उन्होंने सानू इंटरोगेशन की परमिशन दी। बाद डेरे वाले हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने असते अपना पूरा केस प्लीट किया कि कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं, असी सारी पंजाब गवर्नमेंट की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हैगी जी साड़ी जिम्मेवारी है तो असी कोई पंजाब नहीं। फिर हाई कोर्ट ने सानू कहा कि यह इंटरोगेशन जी वो जेल के की जाए, साड़ी एस आई टी जी तैयार बैठी है और एक दो दिन असी इंटरोगेशन कर ली साड़ी पंजाब पुलिस जी पंजाब के एस आई टी के हेड ने जी पूरी टीम उत्थे जाएगी और असी तह तक पहुँचांगे, किसी के उत्ते नजायज नहीं की जाएगी। कोई जे इतने बोलते हैं कि किसी को बच्चे फसाने की या करने ये गुरु की बेअदबी का मामला, ये गुरु की जिहड़ी है कि उहदे अनुसार चलिया जाएगा। जे साढ़े गुरु ने सच्चाई से खड़े होने लई कहा उहदे ते सच्चाई से खड़े होकर जिहड़े दोषी होणगे लोगों के सामने लैके खड़े किए जाणगे। दूसरी चीज़ मैं तुहानूं होर दसनी चाहुंदा कि 295 की अमेंडमेंट जिहड़ी आ 2018 तों दिल्ली भेजी सी और पता नहीं की गल सी कि उहदे ते कोई अमल नहीं होया। मैं दोबारा आउंदे कहा कि कोई भी धर्म सारे धर्म जिहड़े ने उहनां दे ग्रंथा की कोई बेअदबी करता वो भी 10 साल तक सजा जी होनी चाहिए है कि जाते जी जमानत करवा के आ जाते बाद उन्होंने पूरा यही किया कि 10 साल तक वो जमानत ना हो गुरु की किसी भी धर्म के ग्रंथ की बेअदबी ना हो, क्योंकि साडा देश धर्म निरपक्ष है तो असी हर धर्म का जो लैके कुरान शरीफ भी आएगी, भगवद गीता भी आएगी, उसे बाइबल गुरु ग्रंथ साहब के जिन्हें भी जो धर्म उन्होंने कोई भी बेदबी करेगा वो लेट उन्होंने दोबारा से केस भेजा कि ये तो जल्दी इंप्लीमेंट करके सामने भेजा। थोड़े जिले का जो केस है वो एस आई टी बिठाई है, वो तह तक जावान और जेड़े भी दोषी ने जो कितने किमें लैके गए कितने पहुंचे किमें पंजाब चीज़ा हो गई वो साड़ी इंक्वायरी चल रही है। ADGP ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो हैड ने और ये बहुत जल्दी असी सामने लोगों के चोणों में लगता है कांग्रेस कितनी सीटें खड़ेगी और मैं प्रेस वाले देखते सीगे कि वर्करां का जोश, जिस वेले वर्करां का जोश इन्हां दिनों च जोश घटदा हुंदा वर्कर का तो अज वो पूरा जोश है और असी आने वाली 2022 दी इलेक्शन जितांगे और जो लोगों ने वादे किए वो असी पूरे करांगे। दूसरी चीज़ जिहड़ी आ ड्रग का जिहड़ा साडा केस है वह भी बड़ा वड्डा केस है, उहदे विच भी ड्रग दे विच असी जिस दिन की गवर्नमेंट बनी आ वो ड्रग वाला केस जिहड़े बंद लिफाफे
कोर्ट च पे ने उहदे च असीं उहनां नूं कहा कि साडे जिहड़े लफाफे खोले जाण दोनों जिहड़े केस ने चट्टोपाध्याय की रिपोर्ट और दूसरी हरप्रीत सिद्धू की रिपोर्ट दोनों रिपोर्टा जिहड़ियां ने जिहड़ी साडी अगली 19 तरीक आ उदों सानू आस है कि वह खुलणगियां ते असीं पंजाब नूं जिहड़े भी कोई नशे दे व्यापारी है वह लोगों के सामने खड़े कर एक गल सुन कैप्टन साहब वो आप हूँ बहुता ना करिए कैप्टन साहब से क्योंकि मेरा ख्याल है कि जिदा कि भी करी जाए कि जे देखो इस वे पंजाब की जी कोई सब तो वध दुश्मन पार्टी आ किसानी की दुश्मन आ पंजाब की दुश्मन है कि 50 किलोमीटर तक कैप्टन साहब ये कह रहे हैं कि देश की जी सिक्योरिटी का तो मैं पूछना चाहना कैप्टन साहब कि जिस दिन तुम आर्मी से उदन तो उदन सिक्योरिटी को की खतरा से 65 की जंग से असी लड़ाइया लड़िया तो इसलिए तुम मैं ता गल कहना कि वो मैनू नहीं पता कि उन्होंने मजबूरी आ तो योजना पंजाब की देश भगती शक कर लग पे ने कोई कैप्टन साहब भी बारे दस सकते कि उन्होंने मजबूरी की है बिल्कुल नहीं चलती वो साढ़े प्रधान ने जेडी भी चिट्ठी लिखते उन्होंने असं इंप्लीमेंट करते हैं चिट्ठी लिखना ये अजय हूँ MLA साहब ने यह मैनू कोई चीज़ देने तो मैं कहूँगा कि अपनी कोई बगावत है MLA साहब की जेडे भी साढ़े डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट जे PCC के प्रेजिडेंट सानू वो चिट्ठियां लिख रहे हैं ये अज तो नहीं पुरानी हिस्ट्री जो कढ़ लो हमेशा प्रेजिडेंट जिहड़ा वो साड़ी जी गवर्नमेंट आ जमी वो बाद पहला साड़ा जो संगठन है वो साढ़े लिए कांग्रेस का गठन नहीं हो सकता जिले प्रधान बने दो ढाई ढाई साल तो जो नहीं पहला तो है अभी भी साढ़े जो पुराने दसना चाहना कि जेडे थर्मल प्लांट अपना समा पूरा करके ने उन्होंने जो बादलों ने जो गलत समझौते किए ने व्हाइट पेपर भी आ रहा और विधानसभा च उन्होंने बारे जो बिल भी लैके आया मैं सारा कुछ तो अभी जो आएगा वो पहला नहीं मैं दसना चाहता और इन्हों बादलों दल उ जाए करा।